तो गाइस ये है Realme का अब तक का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फोन। तो गाइस फोन का नाम है Realme GT5 Pro। तुम लोग इस फोन का कैमरा मॉडल चेक करो यार, कितना ज्यादा सेटिस्फाइड इस फोन का कैमरा मॉडल है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल इसका डिजाइन है। इसमें तुम लोग को वैगन लेदर मिलता है, इसके बैक में तुम लोग को ग्लास मिल जाता है और इसकी सारी फ्रेम तुम लोग को मेटल की मिल जाती है। फोन काफी हैवी है, 221 ग्राम इसका वेट है। अगर हम लोग डिस्प्ले की तरफ आए तो तुम लोग को इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ साथ 6.78 इंच उसकी डिस्प्ले मिल जाती है। अब मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो इस फोन ने सारे फोन को पीछे छोड़ दिया है। इसमें तुम लोगों को 4400 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब मैं स्टोरेज की बात करूं तो इसमें तुम लोगों को 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। मैं मल्टीमीडिया की बात करूं तो इसमें तुम लोगों को व्यू एंगल बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा पंची कलर मिलते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर मिलते हैं, तो तुम लोगों को इसमें वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बताऊं तो तुम लोगों को नीचे के साइड पे सिम ट्रे मिल जाती है, वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, राइट साइड पे तुम लोगों को वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन मिल जाता है, लेफ्ट साइड पे तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर के साइड पे तुम लोगों को नॉइस कैंसिलेशन, एयर ब्लास्टर और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। अब लोग बैटरी की बात करें तो इसमें तुम लोगों को 5400 mAh की बैटरी मिल जाती है, 100 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है और 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल जाता है। अब लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें तुम लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, 1,500,000 से ऊपर इसका एंड्रॉइड स्कोर निकल के आ जाता है। तुम लोग इसमें स्मूथली इजिली गेमिंग कर सकते हो, तुम लोगों को ना कोई फ्रेम ड्रॉप मिलता है ना कोई लैग मिलता है, तुम लोग इजिली अच्छा गेम एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। अब मैं इस फोन की कैमरे की तरफ आऊं तो तुम लोगों को मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी मिल जाती है। तुम लोग इस फोन से पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी क्लिक कर सकते हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा नेचुरल फोटोज आती है, बहुत ज्यादा ब्राइट फोटोज आती है, तुम लोगों को कोई भी पिक्सल फटे हुए नहीं मिलते हैं। इस फोन में तुम लोगों को सैमसंग की S सीरीज से ज्यादा जूम मिलता है, इस फोन में तुम लोगों को 120x जूम मिल जाता है। अगर मैं इस फोन की प्राइस के बारे में बताऊं तो इस फोन की पाकिस्तान में प्राइस है 2,05,000 रुपए। अब लोगों को फोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।